नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है विनीत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि विड्रॉल फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों यदि किसी कारणवश आपके पास ATM कार्ड नहीं है, चेकबुक नहीं है, तो दोस्तों विड्रॉल फॉर्म के जरिए आप अपना पैसा उठा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि जहाँ पर भी आप अपना खाता खुलवाएं वहाँ का ATM लें, चेकबुक लें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों हमारे पास है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विड्रॉल फॉर्म। दोस्तों हर बैंक का एक विड्रॉल फॉर्म होता है, सबका अपना अपना मकसद पैसा उठाना ही है। लेकिन दोस्तों हर विड्रॉल की एक अपनी लिमिट होती है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विड्रॉल की लिमिट 25,000 है, दोस्तों किसी के विड्रॉल की 20,000 लिमिट होती है, तो किसी की होती है 30,000। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में कि इसको कैसे भरते हैं। दोस्तों जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है पे, तो पे के आगे या तो हम अपना नाम लिखेंगे या लिखेंगे सेल्फ। तो दोस्तों आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हो और हिंदी में भी। तो मैं इसको भरने वाला हूँ इंग्लिश में, तो मैं लिखूंगा सेल्फ। आगे दोस्तों रुपीज हैं, तो दोस्तों अब यहाँ हम शब्दों में लिखेंगे पैसा। तो दोस्तों चाहे तो आप अंग्रेजी में लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए, मतलब आपका समझ आना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं रुपीज लिखकर। तो रुपीज मान लो मुझे दोस्तों 5,000 रुपये उठाने हैं, तो मैं लिखूंगा 5,000 रुपीज। तो दोस्तों इस तरह से हम लिख देंगे शब्दों में पैसा, और चाहे तो हम आगे एक लाइन भी मार दें कि इसके बाद कुछ नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद हमें भरना है अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर यूनियन बैंक का 15 डिजिट का होता है, किसी का दोस्तों 10 डिजिट का होता है, किसी बैंक का दोस्तों उससे कम या ज़्यादा डिजिट का होता है। तो दोस्तों जैसा कि मान लो मेरा ATM मेरा खाते का नंबर कोई भी 15 डिजिट का है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो दोस्तों उसके बाद हमें भरना है पैसा। तो दोस्तों 5,000 रुपीज़ यहाँ मैंने शब्दों में लिखा था, यहाँ मैं अंकों में लिख दूंगा। ये दोस्तों मैंने लिख दिया, और उसके बाद दोस्तों हमें भरनी है डेट। तो दोस्तों जैसे कि आज तारीख है 19 तारीख, तो मैं लिखूंगा 19/2/2020। उसके बाद दोस्तों मुझे अपने हस्ताक्षर करने हैं, तो दोस्तों मैंने हस्ताक्षर कर दिए। और दोस्तों उसके बाद मुझे इस विड्रॉल फॉर्म को लेकर जाना है काउंटर पे। काउंटर पे दोस्तों जब इस विड्रॉल फॉर्म की चेकिंग होगी तो मुझसे साइन पीछे कराए जाएंगे, और दोस्तों जब पास होने के बाद मैं पैसा लेने जाऊंगा तो दोस्तों कैशियर भी मुझसे एक और साइन करवा लेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भर सकते हैं विड्रॉल फॉर्म। लेकिन दोस्तों इसकी एक लिमिट भी होती है। ज़्यादातर बैंकों में जिस शाखा का विड्रॉल फॉर्म है दोस्तों वहीं से भी आप पैसा उठा सकते हो। तो दोस्तों चेक का ये बेनिफिट होता है विड्रॉल फॉर्म के ऊपर कि आप चेक किसी को भी दे के भेज सकते हो। तो दोस्तों अगर आप विड्रॉल फॉर्म लेकर रखते हो आपको खुद ही जाना पड़ता है, पासबुक भी लेकर जानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों चेक आप किसी को भी दे सकते हो, कोई भी आपके खाते का पैसा लेकर आ सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरह से आप अपना प्यार दे रहे हैं दोस्तों, प्यार देते रहिए। जो दोस्तों मेरे चैनल से नहीं जुड़े कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।